इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में, और जौनपुर में एक सभा चल रही थी जो पूर्वांचल लेवल की सभा थी। पूर्वांचल के हर हिस्से से लोग आए हुए हैं। भाई साहब से जान लेते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं सुल्तानपुर जिला जी, लम्हुआ विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष एम आई एम का जी। आप कहाँ से हैं सर? जी सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। शुभ नाम आपका? मौलाना इसरार अली जी। आपका नाम? मोहम्मद मुमताज अंसारी जी। मुमताज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आज की सभा में एम आई एम ने क्या तय किया है उत्तर प्रदेश की आगामी लोकसभा सीटों के लिए? आगामी लोकसभा सीटों के लिए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली साहब जी, उन्होंने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया है। अल्लाह ने चाहा तो हम लोग 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सफलता कितने पे, अगर 20 पे लड़ते हैं तो सफलता कितने में मिल सकती है? मुझे तो पूरी की पूरी सीट, जितनी सीटों पर लड़ेगी एम आई एम सब सीटों पर सफलता मिलेगी। मौलाना साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन रहेगा कि सफलता की जहाँ तक बात करें, अभी सभा में संबोधन के दौरान ये आ रही थी बात कि कौम को लामवंद करना है, हमारे समुदाय के लोग ही हमारी बात को अनसुनी कर देते हैं, इसके बजाय अन्य दलों में जाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, और जिसकी वजह से हम बेसुरे सो हो जाते हैं। इस बार क्या होना है? इंशाल्लाह इस बार हमने जो दौरे किए हैं और जो हमारी मीटिंगें चल रही हैं, देखा जा रहा है कि इस समय हमारा युवा, बुजुर्ग, नौजवान, तमाम लोगों के अंदर एक उत्साहित माहौल है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, हम अपने तमाम कारकुनान को जिता कर संसद भवन भेजने का काम करें। भाई साहब, आपसे जानना होगा क्या राय अपनी रखते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? एम आई एम पार्टी विस्फोट करने जा रही है, मई के महीने में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। आपकी कौन सी विधानसभा है? पट्टी विधानसभा, पट्टी प्रतापगढ़ जिला जी। शुभ नाम आपका? शकील अहमद। शकील भाई, इस बार जो है क्या जोश भरा है प्रदेश अध्यक्ष ने, वो कितना कामयाब होंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, यहाँ आए, जो उनका निर्देश मिला उस निर्देश पर हम लोग भरपूर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी के नए झंडे गाड़ेंगे, नए इतिहास लिखेंगे। 2024 का चुनाव एक नया इतिहास लिखेगा मजलिस के लिए, माय पार्टी के लिए जी। आपसे जानना होगा जी, इस बारे में क्या कहते हैं? उनकी राय बिल्कुल सही है, इस बार लोगों के अंदर जो जोश है, वलवला है, और लोगों ने और पार्टियों को सपोर्ट करके देख लिया कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वोट की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी जी नया यात्रा निकाल रहे हैं, मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं मैदान में आके, जब बिल उनके अगेंस्ट पास होता है तो वहाँ पे चुप रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं, यहाँ पर जो है वो आके वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसको कहते हैं राजनीति। सिर्फ ये लोग वोट की राजनीति करें, मुसलमान का वोट चाहिए बस, मुसलमानों को फेवर में बोलने वाला कोई नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग यूनाइट हैं, और अगर हमारा मुखिया, अगर हमारा लीडर, हमारे बेस्टर असदुद्दीन साहब, अगर हम लोगों को जो 20 सीट पर हमारे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रपोजल बनाकर भेजा है, अगर अलाउ होता है और हमारी अगर पार्टी लड़ती है, तो इंशाल्लाह हमारी जितनी भी सीटों पर पार्टी लड़ेगी हम लोग पूरे जोश के साथ लड़ेंगे, और बहुत उम्मीद है कि कामयाबी हासिल करें। कहाँ से हैं आप? हम प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। श्रीमान का परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा है, मैं MIM का जिला संगठन मंत्री हूँ। कौन सा जिला? जिला प्रतापगढ़ जी। तो प्रतापगढ़ वालों की राय तो हमने सुन ली, आपकी ख्वाहिश? प्रतापगढ़ राय आपने सुनी, इस समय जो देश का माहौल है, देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से बुरी तरह परेशान है, और जो अन्याय पूरे देश में हो रहा है उससे बेहद परेशान है, और जनता एक विकल्प ढूंढ रही है उस अत्याचार के माहौल से जो सरकार की तरफ से हो रहा है, इसका एक विकल्प ढूंढ रही है, और उसका एक विकल्प है MIM। और आने वाले समय में हमें पास की उम्मीद है कि वो सब लोग जो कमज़ोरों को और पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो भी MIM पार्टी के साथ वो लोग भी आएंगे, और यही संदेश है ओवैसी साहब का। ओवैसी साहब दलितों और कमज़ोर लोगों के लिए संसद में लड़ रहे हैं, और पार्टी मेरी संसद से सड़क तक की लड़ाई जारी रखेगी जी। भाई साहब क्या कह रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ समाजवादी के लोगों से, सब बसपा के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, इन लोगों से जो गठबंधन बनाए हैं, जो कह रहे हैं इंडिया और इंडिये बनाम जो राजनीति कर रहे हैं, ये लोग मैं चैलेंज करता हूँ, MIM का विधानसभा अध्यक्ष चैलेंज करता है, इंडिया जो गठबंधन बना है ये इंडिया नहीं गठबंधन है, ये देश को लूटने का गठबंधन है। मैं चैलेंज करता हूँ, मोदी सरकार को ये लोग नहीं रोक पाएंगे, अगर रोक पाएंगे तो असद ओवैसी रोक पाएंगे, अन्यथा कोई नहीं रोक पाएगा। भाई साहब आपसे जानना होगा क्या कहते हैं आप? ये मुमताज भाई जो बोले विधानसभा अध्यक्ष लम्हुआ के हैं,
मैं रामगंज का युवा नगर अध्यक्ष हूँ PMIM के। हमारे नौजवानों के जोश इतना है, क्या बताऊँ आपसे। कांग्रेस की अंतिम यात्रा निकल रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, और ये अंतिम यात्रा होगी इनकी। इसके बाद फिर इनको कोई भी यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बसपा तो ऑलरेडी कोमा में जा चुकी है, सपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। हम 22% उनके साथ जाते थे, उनकी सरकार बनती थी। अब सपा के पास शायद 10-12% वोट भी उनको आने वाले चुनाव में मिलना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद।